जा रहे कि झारखंड पुलिस कांकेर पहुंच चुकी है उनको गिरफ्तार करने के लिए, और इस वक्त मौजूद है हम बीजेपी कार्यालय में। ये तमाम तस्वीरें बीजेपी कार्यालय का, और जिस तरीके से आप देख सकते हैं सीधे तस्वीर में कि यहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं बैठी हुई है, और ये यही सोच रहे सबके मन में यही है कि अब ब्रह्मानंद हमारे बीच में भानु प्रतापपुर में रहेंगे या फिर उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले जाएंगी। ये तमाम तरह जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर बैठी हुई है, और आप सीधे तस्वीर में देख सकते हैं किस किस तरीके से इनमें उत्साह है और ये क्या सोचते हैं, इन्हीं से जानते हैं। हमारे साथ महिला मोर्चा की अध्यक्ष, उनसे बातचीत करते हैं। किस तरह देखते हैं आप ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी को लेकर, पुलिस आई है ये कह रहे हैं, आप क्या सोचते हैं? कांग्रेस सरकार डर गई है क्योंकि ब्रह्मा जी जीत रहे हैं, है ना, और ये सिर्फ भूपेश बघेल ही कर सकता है ये इतनी घटिया राजनीति और घटिया सोच। अगर गिरफ्तार करना है तो जाके जो लोग इतने महिलाओं के बीच जो बलात्कार हो रहा है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, उन लोग को रोकने की कोशिश उसने कभी नहीं किया, है ना। लेकिन ये जब 2019 का मामला है ये, तो उस समय पास्को एक्ट अगर लगता है तो 2019 में तुरंत कब गिरफ्तारी होती, आज तक क्यों रुका रहा, ये तो प्रश्न चिन्ह हम भूपेश बघेल को पूछना चाहते हैं ना। आप क्या कहेंगे? भूपेश की सरकार डरी हुई है, निश्चित तौर पे हम चुनाव जीत रहे हैं इसलिए ब्रह्मानंद नेताम भैया के खिलाफ इतना अनर्गल का आरोप लगा रहे हैं। ठीक है, आप क्या सोचते हैं जिस तरीके से चुनावी माहौल बने हैं, ये आपके नेता कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, आप क्या सोचते हैं ब्रह्मानंद की गिरफ्तारी से कुछ फर्क पड़ेगा? जी देखिए, ये तो कांग्रेस सरकार का निश्चित तौर पे खेल है, ये उनका चाल चरित्र और चरित्र चित्रण दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ब्रह्मानंद जी जीत रहे हैं और बहुमतों से जीत रहे हैं, उसमें कांग्रेस सरकार इस प्रकार की गतिविधियों को करके, यदि पॉक्सो की बात करते हैं तो पॉक्सो जो है इमीडिएट कार्यवाही की बात करता है। यदि आप पॉक्सो एक्ट को पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पर उस धारा की जानकारी आपको होगी। जैसे ही शिकायत मात्र आती है वैसे ही इनको FIR दर्ज करके गिरफ्तारी करनी चाहिए। चुनाव के इस माहौल में, चुनाव के इस समय पे इस प्रकार की हरकत किसी ना किसी, मुझे लगता है निश्चित तौर पे शंका को और इस प्रकार के शक पर कोई प्रश्न चिन्ह उठाने की हमें इच्छा होती है। ब्रह्मानंद जी जीत रहे हैं और इस प्रकार की घटिया राजनीति जो है कांग्रेस सरकार और भूपेश बघेल के राज्य में हो रही है। ठीक है, तो निश्चित तौर पर महिलाओं को साफ तौर पर कहना है कि ब्रह्मानंद नेताम जीत रहे हैं, इससे घबराई हुई कांग्रेस सरकार लगातार जिस तरीके से काम काज कर रही है और झारखंड पुलिस के साथ मिलकर काम कर रही है। सीधे तस्वीर है और ये यही वो जगह है, यही वो कमरे हैं जहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद हैं, और सुबह से उनका आने जमावड़ा यहाँ पर शुरू हो चुका था, और ये चर्चा चल रही है, ये बातें सामने निकल कर आ रही है कि आगे की रणनीति क्या कुछ होगा, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है और चुनावी प्रचार के दौरान जिस तरीके से ब्रह्मानंद नेताम को पकड़ने के लिए झारखंड पुलिस पहुंची हुई है होगा, क्योंकि सामने विधानसभा चुनाव है और चुनावी प्रचार के दौरान जिस तरीके से ब्रह्मानंद नेताम को पकड़ने के लिए झारखंड पुलिस पहुंची हुई है, और इस पूरे मामले को लेकर लगातार जो चर्चा है वो शोरगुल के साथ सामने आई है। बाहर बीजेपी के तमाम वो कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं जो प्रचार प्रसार के लिए दूर दूर से यहाँ पर पहुंचे हुए थे। ये वो कमरे हैं जहाँ पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है और लगातार चर्चा चल रही है, और ये भी कहा जा रहा है कि इसी कमरे के अंदर ब्रह्मानंद नेताम भी हो सकते हैं, और हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस किस तरीके से यहाँ परिस्थिति है, और तमाम जो मीडिया के साथी हुए यहाँ पर, तमाम जो लोग हैं बीजेपी के कार्यकर्ता है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। आप तो सामने तो तस्वीर दिख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ पर जमावड़ा शुरू हो चुका है, और कुछ लोग, कुछ कार्यकर्ता हैं उस कमरे से निकलते हुए नजर आ रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के निकल से भैया क्या क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, अब चुनाव जीतने की रणनीति हो रही है। ब्रह्मानंद को पकड़ने हैं, पुलिस घबराई हुई है। पुलिस कहाँ है, आप लोगों को कहीं दिखाई दी है पुलिस? किसी प्रकार की पुलिस नहीं आई है, और ये जो है ना भूपेश बघेल जो है डरा सहमा हुआ है, बहुत ही सरल सहज व्यक्तित्व के धनी ब्रह्मानंद नेताम जी है जिसको लगातार फंसाने का प्रयास कर रहे हैं लोग। आप क्या कहेंगे? क्या बोलूँगा, कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। पुलिस कहाँ है, आप लोग बताइए ना, पुलिस आई है क्या? पुलिस आई है ना, आप लोग क्या कहेंगे? देखिए पुलिस नहीं आई है, अभी तक कोई भी पुलिस यहाँ गिरफ्तार करने के लिए नहीं आई है। असल में भारतीय जनता, मैं बता रहा हूँ आपको सुनिए, भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है, इसलिए बौखलाहट में ये भ्रामक प्रचार भूपेश बघेल करवा रहा है। आपको बताना चाहूंगा ये अघोषित आपातकाल लाने की कोशिश है भूपेश बघेल की, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ ब्रह्मानंद नेताम जीत रहा है, पूरे प्रदेश भर में भूपेश बघेल के खिलाफ माहौल है और यहाँ पर ब्रह्मानंद जीतने वाले हैं, इस बौखलाहट में इस पुलिस को भेजा जा रहा है गिरफ्तार करने के लिए। बौखलाहट है कांग्रेस सरकार के खिलाफ और तमाम तरीके से, और जो लोग हैं क्या कहेंगे? लगातार जो अभी
ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जो यहाँ माइनिंग का जो पैसा जो सोम्या चौरसिया के पास जो जमा हो रहा था भूपेश बघेल के माध्यम से, और वो सोम्या चौरसिया भी अंदर जाने वाली है। और ईडी के जो छापे पड़ रहे हैं ना, उसमें लगातार इनको घुटने टेकाए जा रहे हैं, मुर्गे बनाए जा रहे हैं, और उससे बौखला कर ये जो हमारे सरल सहज प्रत्याशी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आने चुनाव में प्रभाव पड़ेगा इसका? चुनाव में पूरी संपत्ति ब्रह्मानंद नेताम के साथ जाएगी, क्योंकि सरल व्यक्ति को जो है लोग फंसा रहे हैं। अगर कांग्रेस के शुरू से चाल है और प्रमुख मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय प्रमुख जो मुद्दे है ना हटाने की कोशिश कर रहे हैं, जो यहाँ के स्थानीय प्रमुख जो मुद्दे है ना उसे हटा रहे हैं लोग, क्योंकि ठीक है। तो ये तस्वीर है भानु प्रताप के बीजेपी कार्यालय का, और तमाम तस्वीर दिखा सकते हैं साइड होंगे थोड़े से। ये वही कमरा है जहाँ पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहाँ पर मौजूद है, और यही चर्चा चल रही है कि आगे क्या कुछ रणनीति होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि ब्रह्मानंद नेताम इसी कमरे के अंदर में है, और आगे की रणनीति तय की जा रही है कि आगे क्या कुछ करना है। अब देखने वाली बात होगी क्या बीजेपी के वो तमाम दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद है, वो क्या ब्रह्मानंद नेताम को बचा पाते हैं, या फिर चुनावी जो रणनीति यहाँ पर लगातार चल रही है उसको लेकर कितना प्रभाव पड़ने वाला है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि क्या आने वाले समय में ब्रह्मानंद नेताम आने वाले चुनाव तक क्या भानु प्रताप पूर्व विधानसभा में क्षेत्र में दौरा करेंगे, या फिर झारखंड पुलिस उनको अपने साथ लेकर जाएगी। लेकिन कार्यकर्ताओं में काफ़ी आक्रोश है, और ब्रह्मानंद संघर्ष करो हम आपके साथ लगातार कार्यकर्ताओं में नारा है। और ये कहा जा रहा है कि कुछ ही देर में झारखंड पुलिस यहाँ पर पहुँचने वाली है और बातचीत है, और साथ ही साथ जो वकील है उनका ये भी कहना है कि अभी तक से कोई जानकारी नहीं मिली है। अगर कोई बात है, अगर झारखंड पुलिस यहाँ पर पहुँचने वाली है तो क्या आने वाले समय में क्या किन विषय को लेकर उनकी गिरफ्तारी होगी, और गिरफ्तारी क्यों होगी ये भी बड़ा सवाल है। उनका कहना है अगर कुछ उनके पास तार्किक जो तथ्य रहेंगे उनके आधार पर उनको गिरफ्तारी कर सकती है तो संभव हो सकता है, अगर उनके पास तथ्यात्मक चीज़ नहीं है तो गिरफ्तारी नहीं हो सकती है। इस पर देखते हैं तैयार न्यूज़ पी के शर्मा भानु प्रतापुर छत्तीसगढ़।